एवरीवन, वेलकम टू टीवी का पटाखा। ओएल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर में पहुंची इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर एकता कपूर। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों जाते जाते प्रियंका को गले लगाकर ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच चुका है। जी हाँ, निमृत कौर अहलूवालिया के फैंस इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल कर सामने आई है। वेल दोस्तों, आने वाली अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे सब कुछ पूरे विस्तार से, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर एकता कपूर गई थी अपनी अगली नागिन को ढूंढने के लिए। इस दौरान उन्होंने घर की हर एक सदस्य से ऑडिशन भी किए, जहाँ एक तरफ उन्होंने कहा था कि आई विल कॉल द कॉन्टेस्टेंट्स जो कि इस रोल के लिए परफेक्ट है, तो टीना दत्ता ये मान रही थी कि इन्होंने सुम्बुल को ये चीज़ कही है। लेकिन दोस्तों, असलियत कुछ और थी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एकता कपूर प्रियंका चाहर चौधरी को गले लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने घर के हर एक सदस्य को गले लगाया, लेकिन एकता कपूर का हग करना प्रियंका चाहर चौधरी के लिए किस तरह से अलग था, ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, जब एकता कपूर ने प्रियंका चाहर चौधरी को गले लगाया, तब उन्होंने उनके कान में बोला आई विल कॉल यू, यानी कि मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर है कि सुम्बुल ज़ाकिर खान नहीं बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी को फाइनल कर लिया है एकता कपूर ने नागिन 7 के लिए। वेल, नागिन 6 में बिग बॉस की ट्रॉफी उठाने के बाद नागिन की टीआरपी भी छठे सीजन की तेजस्वी प्रकाश ने उठा दी थी। तो दोस्तों, बहुत उम्मीदें हैं कि अब प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 की एक बार फिर से ट्रॉफी उठाएंगी और नागिन 7 को भी। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, किस तरह से करेंगे प्रियंका चाहर चौधरी को कंग्रेचुलेट, हमें अपने व्यूज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।